अद्वैत चिराग क्या? काश हमने कुछ और मांग लिया होता तो उनको भी मिल जाता, पर हम इस रात तक पहुंचे कैसे? तुम नहीं पहुंच पाओगे। हम नहीं तो फिर कौन पहुंचेगा? वो ही जो इसका असली हकदार है, जिसके इरादे नेक, नियत साफ और दिल पाक हो। कौन है? मैं। क्यों नहीं खेल गए है ना? तो अब मेरे रास्ते में मत आना, मुझे चिराग हासिल करने दो। रुक जाओ, जादुई चिराग उसके असली हकदार को ही मिलेगा। ए गुमनाम आवाज, आप हमें बताइए कि जादुई चिराग को पाने के लिए मैं क्या करना होगा? क्या करना होगा? साबित करना होगा कि तुम्हें चिराग के असली हकदार हो, वो भी 3 बार। तुम्हारे सामने 3 मुश्किलें आएंगी और ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 70 वो हैं। वो क्या? जिनके खत्म होते ही वक्त खत्म हो जाता है। ओ, लमेल, लमेल। शायद ये 70 लम्हे हमारी जिंदगी के सबसे खास 70 लम्हे होंगे काली चोरनी, और हमसे ये 70 लम्हे खुदा भी हमसे वापस नहीं मांग सकता। ये किसने कहा? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। खामोश, पहले दौर में तुम दोनों को छोटे छोटे तीरों से बचना होगा। तुम दोनों का वक्त शुरू होता है अब। खेल शुरू हो चुका है, तुम भी शुरू हो जाओ। इतने बरसों में मैंने तालीम घर के बच्चों को तो क्या, बगदाद की हवाओं को भी सुरंग के बारे में कुछ पता नहीं चलने दिया। सफर का जादुई दायरा तालीम घर के दरवाजों पर है, जमीन के नीचे नहीं। इस सुरंग से बच्चे बाहर जा सकते हैं, पर ये सुरंग तो अभी तैयार नहीं है। और मेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त, शिफान और कोयल तक ये पैगाम जरूर पहुंचाना होगा, पर कैसे? वो तो है कहां? हार गई तो इन बच्चों की उम्मीद हार जाएगी। मैं नहीं हारूंगी। इस्माइल, कोयल, शिफान, मैं सबको बचा लूंगी। किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। पर पहले मुझे बच्चों को इकट्ठा करना होगा। खेल गए, मतलब हमने जिंदगी में वैसे बड़े बड़े मसले सुलझाए, पर हमें पता नहीं था ये छोटे छोटे मसले को। चुपते चुपते अरे बाप रे बाप। ए मजाक नहीं, कुछ लम्हे बचे। ये खेलने कूदने का वक्त नहीं है, चलो एक एक करके बाहर आओ, आओ और यहां खड़े हो जाओ।
उस्ताद जी सारे बच्चे आ गए। आप इतने जासूस क्यों हैं? खामोश क्यों हैं? शिफान और कोयल मिले और चुलबुल? चुलबुल तो वही होगा जहां उसे होना चाहिए। ए पहियों, मेरे अकल के घोड़ों से तेज हो जाओ, रफ्तार बढ़ाओ और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। मेरी कोशिश काम कर गई, मेरी नई ईजाद काम कर गई। उस्तानी जी, आप मेरे ईजाद घर में माथे की चादर पर शिकन क्यों? वो वक्त आ गया है चुलबुल। दादा जान के मुजरिम को सजा देने का वक्त ना। मैं शक्ल से 12 पर अकल से 112 साल का हूँ, सब जानता हूँ। बताइए, अब से 3 दिन बाद जश्ने शागिर्द में जफर तालीम घर के सबसे होनहार बच्चे को चुनने का मुकाबला रखवाएगा। यही जो काम आपने और दादा जान ने 5 बरस पहले शुरू किया था, उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। पर इसमें बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है उस्तानी जी। पर खतरा उठाए बिना भी तो कुछ नहीं होगा ना चुलबुल। मैं बहुत उलझन में हूँ। तुम्हारे दादा जान ने यहाँ से जाने से पहले मुझसे वादा लिया था, मैं तुम सबकी हिफाजत करूंगी। और मैं अब तक शिफान और कोयल को भी नहीं ढूंढ पाई। मैं आपके वादे के कांच को टूटने नहीं दूंगा उस्तानी जी, परेशान ना हो। याद है दादा जान हमेशा क्या कहते थे? सवाल के बवाल से होगा मलाल, जवाब तो होगा कमाल। तुम्हारे दादाजी और उनकी बातें। और इसी के साथ पहला दौर खत्म होता है। तुम शहजादे नहीं, शहजादे के नाम पर मजाक हो। अच्छा, मजाक? अरे जोड़नी, हम शहजादे शहजादे अगर मजाक होते ना तोड़ने लगते। अब बारी दूसरे दौर की। अरे हम सच तोड़ने लग गए। बचाओ। डरपोक शहजादे। डरपोक? हम डरपोक नहीं है, हम थोड़ा घबरा गए। बचाओ। हमारी गलती नहीं है, हम दावा में। देखो, पकड़ लिया। ए रास्ते कमर, तुमने हमें हमारी कमर से पकड़ लिया, क्या बात है। पकड़े रहो। तुम्हें एतराज है, छोड़ दो। नहीं, छोड़ना मत। हम शहजादे और शहजादे को छोड़ना बेहद भी होती है। हमें पकड़े रहो। अरे तलवार यहाँ क्या कर रही है, इसका क्या करना है? वही जो दो दुश्मन दो जान और दो तलवारें करती हैं टकराव, और वो भी उड़ते। एक हमें दो। हम क्या करें इसका? हमें ऊंचाई से कितना डर लगता है तुम्हें पता है? बचपन में हम अपने अब्बा के कंधे पर भी नहीं बैठते थे। देखा हम कितना जमदाई भी कर लेते हैं ना। वाह, खत्म होने को है। सारे लड़कियां हमारी दीवानी। लेकिन ऐसी हरकतें करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। तैयार रहो, अब ये लड़की तुम्हारे होश उड़ाने वाली है।
उड़ने वाला दूसरा दौर खत्म। अब तक चिराग का असली हकदार साबित नहीं हुआ। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी दौर की। जीतो और जादुई चिराग को ले जाओ। संभल के रुक गया। शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम्हें बस जीतने से मतलब है ना, उसके लिए तुम सही गलत सब करोगे। हम इस लड़की की हमेशा मदद क्यों करते हैं? क्या हमारी है कौन? दोनों आखिरी कोशिश करो, और अगर दोनों में से कोई भी आखिरी चिराग तक नहीं पहुंचा तो मरने को तैयार हो जाओ, क्योंकि ये गुफा खाक में मिलने वाली है। करो या मरो। जादुई दायरा बस 5 लम्हों के लिए खुलता है, और उन्हीं 5 लम्हों में चिराग को हासिल करना ही होगा। वो शहजादा ही क्या जो खुद मेहनत करे, ये काम हम इस काली चोरनी से करवाएंगे, वो भी इसकी मर्जी से। शहजादी, मेरा मतलब ये कि तुम शहजादी बनना चाहती हो ना, लोगों की मदद करना चाहती हो, तो पहले शहजादे और तुर्किस्तान के होने वाले सुल्तान भी, तो हमें इन सबकी जरूरत नहीं, लेकिन हमें तुम्हारा नेक दिल अच्छा लगा, तुम्हारे नेक इरादे अच्छे लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये चिराग तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए। जाओ, ले लो, ले लो। इस शहजादे के बच्चे के मुंह से नीकी और अच्छाई की बातें कैसे निकलने लगी? आखिर है तो बेवकूफ शहजादा ही। अच्छा मौका है यास्मीन, ले ले जादुई चिराग। देखें तुम दोनों में से कौन जीतता है, कोई एक या मौत। सोचो मत, जाओ जाओ जाओ। और इसी के साथ खेल खत्म। जादुई चिराग को उसका असली हकदार अपना नया आका मिल गया। नहीं अलादीन, तुम हमें मिलो। और फिर हमें मिलेगी हमारी मंजिल। आका को चिराग मिल गया। आका को चिराग मिल गया।
जादुई चिराग ये मिल गया, हम इसके हकदार हैं। जादुई चिराग हमें मिल गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अंगूर के हाथ में अंगूर, निकम्मा शहजादा और निकम्मा हो जाएगा। निकम्मा? बिल्कुल नहीं, अपने दादा जान की तरह शातिर है तू। चलो, बस 3 दिन है हमारे पास, हमें जल्द काम शुरू करना होगा। हम कामयाब होंगे उस्तानी जी। हम जरूर कामयाब होंगे, बस कैसे होंगे ये। हमारी सुरंग पूरी होते होते यहाँ इस जगह आकर रुक गई, क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है। वो इजाद इसी दीवार में एक बड़ा सा सुराख करने में हमारी मदद करेगी। कौन सी इजाद? मेरी नई इजाद, आर या पार। दिखने में तो इतनी छोटी सी है, इतना बड़ा काम कर पाएगी? मेरी इजाद है, मुझ पर ही गई है। बस एक दिक्कत है। क्या? आसमान में कड़कती बिजली में जैसी ताकत होती है, आर या पार वैसी ही ताकत से चल सकता है। मैंने काफी कोशिश की, पर अब तक मैं यहाँ उतनी ताकत पैदा नहीं कर पाया। चुलबुल, मुझे पता है ये कैसे होगा। जादुई चिराग में मिट्टी? नहीं नहीं नहीं, महल 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 खजाने शहजादी, गरम समोसे बगदादी, नखरे वाली महबूबा क्या बीवी हो सीधी सादी, सोना चांदी और अशरफी, लड्डू पेड़ा या हो बर्फी, गली मोहल्ला या पूरा इलाका, उसको दूजो हो मेरा आका। सही खेल गए, सही खेल गए, लेने तेल गए, कहीं खेल गए, या तो हम ही पागल हैं, या बोल रहा ये बादल है, हमें लगा सदमा है क्या, याद आ रही माँ है क्या, ये बुरे रात का सपना है, जैसा भी है अपना है। आ! आ! सपना नहीं है, बात सही है, तो फिर गाना गाए कौन, छुप छुप के हमें डराए कौन।
सकती है।